दोस्तों, बैंक निफ्टी का आपके सामने ये 1 आवर का चार्ट है और यहाँ पे मैंने एक हेड एंड शोल्डर मार्क कर लिया है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप लोग देख सकते हो तो 1 आवर के चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली अगर दाउ थ्योरी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। इस लेवल पे आता है तो इक्वल लेवल के सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गया है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस लेवल पे आया, इक्वल लो पे सपोर्ट करके फिर एक बार ऊपर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर गया है और यहाँ पे आके उसने एक फ्लैग बनाया। ठीक, सभी चीज़ों को ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें काम करना है। जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर उसने एक फ्लैग भी बनाया था जिसका ब्रेकआउट भी मिला था, अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर आया फिर यहाँ से ऊपर तक चला गया। ठीक है, जितना एक फ्लैग का पोल का डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस उसने यहाँ पर लगभग कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये यहाँ पर कर क्या रहा है, एक तो ये हेड एंड शोल्डर हो सकता है। ठीक है, अगर ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा कैंडल, इस लेवल को अगर नहीं तोड़ सका फिर नीचे आएगा और यहाँ से फिर आपको यहाँ इस लेवल तक एक रैली मिल सकता है, नीचे के साइड पे सेलिंग का रैली मिल सकता है। ठीक है, ये मेरे लिए एक पॉसिबिलिटी लग रही है, जो पॉसिबिलिटी हमें मंडे के दिन क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न है। देखो, पैटर्न जब बनता है वो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि ट्रेंड चेंज का एक सिग्नल होता है वो। ठीक है, तो जब पैटर्न बन रहा होता है तो आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा कि ये पैटर्न बना भी है या फिर नहीं बना है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से यही रिकमेंड करूँगा कि कम्प्लीटली जब तक चार्ट आपको शो नहीं करता है कि पैटर्न कम्प्लीट हो चुका है तब तक कोई भी डिसीजन मत लेना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये ट्रैप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर इस पैटर्न को हम निकाल देंगे यहाँ से पूरे तरीके से। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पर, एक तो ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर वाला बनाया है, या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो यहाँ पे इसने फिर एक बार एक नया फ्लैग बनाया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक नया फ्लैग यहाँ पे बनाते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से आगे मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये एक फ्लैग है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर ये एक फ्लैग बना रहा है तो अब समझ लीजिए कि इसने फ्लैग बनाया तो यहाँ से क्या होगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल को टच करके फिर नीचे आएगा, फिर इस लेवल को टच करके, इस तरीके से आपको ये आगे ये जो ट्रेंड लाइन है वो कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम इस ट्रेंड लाइन को भी आगे खींच के रखेंगे यहाँ तक, और ये शायद ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लंबा भी चला जा सकता है। मतलब अभी 5-6 दिनों तक बैंक निफ्टी इसी लेवल में भी घूम सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ निकालनी होती है। और अगर समझो कंटिन्यूशन होता है, ये जो फ्लैग है ना तो इसको ब्रेक करेगा फिर नीचे नहीं आएगा तो फिर हमें ऊपर के साइड पे, तो ये इतने दिन भी नहीं लगेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन ही इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और फिर नीचे नहीं आ रहा और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ पर कॉल साइड पर बैंक निफ्टी में ट्रेड भी मिल सकता है। ठीक है, अदरवाइज दोस्तों अगर इसने समझ लो इसने यहाँ पे कोई पैटर्न बना दिया, ठीक है, या फिर हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम जो बात किए हैं अभी वही, मतलब ये अगर इसे ही उसने फाइनल कर लिया, सपोर्ट कर लिया, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट नहीं लग रहा क्योंकि और इसके नीचे अगर इसके ऊपर नहीं गया है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाकर फिर नीचे आया है, तो अब ये कंफर्म कैसे करोगे? आपके लिए ये सवाल होगा कि अब ये कंफर्म हम कैसे करेंगे। तो आप इसमें ट्रेड मत करना थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा कि ऐसे नीचे आएगा ना तो फिर एक बार यहाँ पे फ्लैग बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, और तो आप इसको मार्क कर लो इस तरीके से फ्लैग को, तो ये बेरिश फ्लैग पोल का है, फिर इसे नीचे के साइड पर तोड़ेगा फिर ऊपर नहीं जाएगा, और फिर जैसे नीचे जा रहा है ना तो समझ लेना कि ऊपर का पैटर्न कन्फर्म है और अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी ऊपर के साइड पे बता दिया है ना आपको कि अगर ये फ्लैग कंटिन्यू रहा इस तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, अभी इस लेवल के नीचे नहीं आया तो समझो कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ही नहीं है, समझ लो, ठीक है।
तो इसी लेवल के ऊपर चला जाए और इससे ऊपर चला जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ से ये फ्लैग था कंटिन्यूशन, और बैंक निफ्टी अपना ट्रेंड कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रखने वाला है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जब तक हमें ट्रेंड कंफर्म नहीं मिलता है तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। अब ये 1 आवर का है तो हम ज़रा 15 मिनट में जाकर हमारे लिए किस तरीके की एक्शन बनेगी ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लाइन खींचा है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लैग का लाइन है, समझ लीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है नहीं बना है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है और फिर नीचे आ रहा है और फिर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो आपको कल के लिए कोई ट्रेड नहीं लेना है, समझे। क्योंकि आपको ट्रेड जो लेना है 15 मिनट में वो तभी लेना है जब बैंक निफ्टी इस तरीके से नीचे आता है और फिर यहाँ से फ्लैग बना रहा है, ओके, और फिर यहाँ से इस फ्लैग को नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन लेवल दे देता है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि ऊपर का पैटर्न जो है वो डाउन ट्रेंड के लिए पैटर्न बन गया है। अदरवाइज़ अगर समझो कि बैंक निफ्टी जो फ्लैग हमने यहाँ पे निकाला है उसी रेंज में रहता है इसी तरीके से और यहीं पे इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है तो आप समझ जाओ कि अभी बैंक निफ्टी ऊपर के साइड पे हमें ब्रेकआउट देने वाला है। और जैसे ही ब्रेकआउट देगा थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा और फिर ऊपर जा रहे तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हो। देखो इसमें 1-2-3 दिन लग सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए, तब तक ट्रेड मत करना, लेकिन वन साइड में आप ट्रेड करोगे तो जैसे कन्फर्मेशन मिलेगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब थोड़ा सा कल के बैंक निफ्टी के बारे में आपको समझा दिया, और यहाँ पे एक बात आपको समझाता हूँ कि मार्केट बिल्कुल इस तरीके से चलता है दोस्तों। देखो समझो, नीचे के साइड पे डबल बॉटम बना लिया है, ठीक है, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एक फ्लैग बनाएगा, ठीक है, फिर ऊपर पे जाएगा, फिर एक फ्लैग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक फ्लैग बनाएगा, ठीक है, और ऐसे करके करके ऊपर जाएगा, एक तो डबल बॉटम बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे एक फ्लैग बनाएगा, फिर नीचे के साइड पे आएगा, फिर यहाँ पे एक फ्लैग बनाएगा, फिर नीचे के साइड पे आएगा, और जब तक बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पे मैंने डबल बॉटम का उदाहरण दिया है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या फिर थ्री बॉटम, ये बुद्धा भी बोलते हैं इसको, और ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फ्लैग बनाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा फ्लैग बनाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा फ्लैग, तो अभी यहाँ पे ऊपर आएगा तो इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, फिर नीचे आएगा। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया तो ऊपर बनाए, तो यहाँ पे डबल टॉप भी बना सकता है, कुछ भी बन सकता है, रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, और यहाँ पे फ्लैग बनाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर फ्लैग बनाएगा, फिर तो। और ऐसा भी नहीं है कि इस लेवल पे आने के बाद ही बॉटम बनेगा, कभी कभी इसी लेवल पे भी डबल बॉटम बना के ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो मार्केट बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहता है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और स्पेशली जब पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, उस वक्त ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होता है, लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे कल जो हमने क्रूड ऑयल में ट्रेड लिया था ना दोस्तों, जो हम निकल गए थे, अगर क्रूड ऑयल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, दाऊ थेरी के हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, आपको मैं बता दूँ। अब ये 1 आवर का है तो हम 15 मिनट में चलते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अगर क्रूड ऑयल का वीडियो नहीं देखा है, देखो वीडियो आपको ना देखना चाहिए क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो लाइन है ना, जैसे ही मैंने देखा कि इस दाऊ थेरी के हिसाब से जो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे आता है, काफ़ी सेलिंग आया, तगड़ा सेलिंग आया, तो बहुत लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं क्या होगा, और यहाँ से बाइंग जैसे कैंडल बनी तो मैंने इस लेवल पे एंट्री कर ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया और यहाँ से आया तो मेरा टारगेट ये था, लेकिन जैसे ही मुझे ये इन्वर्टेड हैमर दिखाई दिया, ठीक है, तो मैं इसी लेवल पे मार्केट से निकल गया 49 पॉइंट लेके डो लॉट के, तो 9,800 का प्रॉफिट हुआ था, और बाद में देख सकते फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो अभी भी हमारे लेवल के ऊपर नहीं गया और हमारा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से उसका जो लॉजिक है ना, क्रूड ऑयल का वीडियो देखना, मैं आउटरो में रखूँगा तो उसमें कंप्लीट लॉजिक आपको बताया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।